हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिनी टूल मूवी मेकर 5.2 जो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैसे इंस्टॉल कर लेते हैं वो आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप किसी भी वीडियो को जो फोटोज़ होते हैं उनको ऐड करके वीडियो बना सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा म्यूजिक जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहाँ क्लिक करके इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में। जैसा भी आपके पास कंप्यूटर है, एंड्रॉयड है, जो विंडोज़ है, तो उसमें आप इसको आसानी से सेटअप कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन करके इसमें फ़ोटोज़ ऐड करना है आपको। फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं, इसमें वीडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो को एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो को कंबाइन करके एक नया वीडियो बना सकते हैं, म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। इसमें जैसे भी एडिटिंग है पूरा प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ फ़ोटो ऐड करके आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार इसको एडिट करते हैं और एक नया वीडियो बनाते हैं विथ म्यूजिक के साथ में। तो ये जो भी फ़ोटोज़ है मैं सबको एक एक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जितने चाहे उतने फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अनलिमिटेड फ़ोटो ऐड करके आप उसका एक वीडियो भी बना सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उस वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। हर फोटो में कॉन्ट्रास्ट, ब्लर, जैसा भी आपको अलग अलग सिस्टम देना, अलग अलग आपको एडिट करना, हर पर फोटो के हिसाब से आप उसको अलग अलग टाइप से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, फिर कंबाइन करके एक पूरा वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। फिर इसके बाद में बहुत सारे फ़ोटो देखिए ये मैं ऐड कर रहा हूँ। इस प्रकार से इसको यहाँ पर ऐड करना है और प्लस करते जाना, प्लस करते जाओ तो नीचे ऐड होते होते जाएंगे ऑटोमेटिक। नीचे देख सकते हैं स्क्रीन पर ये ऐड हो रहे हैं। फिर इसके बाद में आप सामने की स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको एडिट कर सकते हो, उसमें कॉन्ट्रास्ट है, आपको फ्लिप करना है, रोटेट करना है, वर्टिकल करना है, हॉरिजेंटल करना है, कैसे भी आपको एक एक पर फोटो को आप एडिट कर सकते हो अलग अलग टाइप से। ये देख सकते हैं इस प्रकार से। तो मैंने बहुत सारे फ़ोटो ऐड किए, सबको एडिट कर रहा हूँ एक एक करके। तो आप उसको काउंटर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उसमें एक ब्राइटनेस है, सिचुएशन है, आप उसको जिस प्रकार से उसको एडिट करना चाहते हो क्रॉप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, उसमें आप एक्स्ट्रा थीम भी जोड़ सकते हो। ये देखिए स्क्रीन पर ये म्यूज़िक है, म्यूज़िक भी जोड़ सकते हो और आप म्यूज़िक ब्राउज करके भी जोड़ सकते हो अपने हिसाब से, यानी कौन सा आपको चाहिए आप डाउनलोड करके उसमें ऐड कर सकते हो म्यूज़िक को, गाने भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। फिर उसके बाद में देखिए ये पर फ्रेम बता रहा है, नीचे ऑटोमेटिक फ्रेम बता रहा है उस पर फोटो का आपको ड्यूरेशन कितना रखना है, यानी उसके हिसाब से आप पर फोटो का ड्यूरेशन के हिसाब से इसको क्रॉप कर सकते हैं। देखिए यानी एक फ़ोटो आपको कितने सेकंड तक चाहिए स्क्रीन पर के लिए उसको भी आप एडिट कर सकते हो। तो इस प्रकार मैंने सबको एडिट कर दिया है। तो एक व्हाट्सएप स्टेटस भी रख सकते हो इसको एडिट करके आप कुछ भी किस भी एप्लीकेशन का स्टेटस बना सकते हो। आप प्रॉपर तरीके से एक वीडियो भी एडिट कर सकते हो और फ़ोटो को भी एडिट करके कंबाइंड में वीडियो बना सकते हो। तो इसमें टोटल फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखिए मैं आपको टोटल फीचर्स आपको विद एडिटिंग के साथ में बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप ये एडिट कर सकते हैं। देखिए मैंने सब फ़ोटो को कंबाइन कर दिया, इनकी ड्यूरेशन कम कर दिए उसके हिसाब से, और कुछ एडिट करना है पर फोटो के हिसाब से, यानी एक फ़ोटो में अगर आपको कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, कुछ आपको एडिट करना है पर फोटो के हिसाब से, तो सेपरेट फ़ोटो को भी एडिट कर सकते हैं अलग अलग टाइप से। तो बहुत एप्लीकेशन ये बहुत ही यूज़फुल है, आप नॉर्मल तरीके से एडिट कर सकते हो, कोई स्पेशल फ़ीचर्स की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है कोई। अगर आपको फुल वर्जन प्लान लेना है तो इसको अपडेट कर सकते हो, बाकी ये जो ट्रायल वर्जन में भी आपका बहुत अच्छा काम करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, तो वहाँ जाकर इसको इंस्टॉल कर लेना। मैं देखिए कॉन्ट्रास्ट कम तेज़ कर रहा हूँ, तो ये हर फोटो के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे भी किसी फ़ोटो पर क्लिक करके उसको एडिट करना है तो उसको अलग तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो मैंने सब फ़ोटो को कमेंट कर दिया है, अभी देखिए अब प्ले करके बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये वीडियो चलेगा, आपको फ़ोटो के हिसाब से एडिट करना है, आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से इसको एडिट कर सकते हो। फिर इसके बाद में एक्सपोर्ट कर देना है, यहाँ ऊपर एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, एक्सपोर्टिंग में कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए MP4 वीडियो में मेरे को करना है कन्वर्ट, फुल वर्जन करना है तो अपग्रेड पर क्लिक कर देना है, नॉर्मली ऐसे ही करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है वीडियो की लेंथ के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से इसमें कुछ टाइम लग सकता है, तब तक के लिए आपको वेट करना है। तो हमारा ये एप्लीकेशन के द्वारा ये जो वीडियो है पूरा एडिट हो चुका है 100%। देखिए अभी हम फाइंड टारगेट पर क्लिक करते हैं, जहाँ आपको ये फाइल सेव हुई है, एक्सपोर्ट हुई है, तो वहाँ डायरेक्ट आपको उस एप्लीकेशन यानी फोल्डर में आपको डायरेक्ट दिख जाएगा इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स मैंने पूरा वीडियो का ट्यूटोरियल बता दिया है किस प्रकार से इसको एडिट करना है। तो फ्रेंड्स
एप्लीकेशन अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर डाउनलोड कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।